फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल आर के क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 5.5 का क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सिंपली हमें गिवन क्वेश्चन क्या है, वाई की पावर एक्स इक्वल एक्स की पावर वाई, और फाइंड क्या करना है हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, तो देखो क्या कैसे करना है, ये गिवन क्वेश्चन है, सिंपल स्टेप क्या करेंगे, इसमें किसी को यू वी लेट नहीं करना, ना किसी को वाई लेट करना है। ओके, ऑलरेडी हमें वाई दे रखा है, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ओके, तो देखो क्या आएगा, लॉग y की पावर x इक्वल लॉग x की पावर y, सिंपल समझ आया ना इतना। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व, तो देखो x आगे आ जाएगा मेरा, क्या हो जाएगी x लॉग y इक्वल, ये क्या हो जाएगा y आगे आएगा, तो y लॉग x, ये पता है ना क्यों आगे आता है, क्योंकि पावर लॉग में होती है तो आगे आ जाती है। अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो x के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, तो देखो क्या आएगा मेरा टर्म, ये देखो x log है, ये एक टर्म, एक ये टर्म, सेम इसमें भी u v का फॉर्मूला यूज होगा, ये u ये v, u v का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट सेकेंड एज इट इज प्लस सेकेंड का डिफ्रेंशिएट फर्स्ट एज इट इज, तो फर्स्ट क्या है मेरा x, इसका डिफ्रेंशिएट 1 log y मेरा एज इट इज, प्लस अब log y का डिफ्रेंशिएट ये एज इट इज, तो x मेरा एज इट इज, इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1 अपॉन y, और y का dy वाई बाई डी एक्स, चेन रूल लगेगा याद रखना इक्वल। अब यहाँ देखो y का डिफ्रेंशिएट क्या होगा मेरा, dy वाई बाई डी एक्स और log x मेरा एज इट इज, प्लस y मेरा एज इट इज, log x का डिफ्रेंशिएट 1 अपॉन x, सिंपल ये समझ आया। अब क्या करेंगे हम, dy वालों को एक तरफ बाकी सब एक तरफ। ओके, तो देखो ये टर्म यहाँ मेरी यहीं पर रहेगी, तो x अपॉन y dy वाई बाई डी एक्स। ओके, इसको इधर लेके आऊँगा क्या हो जाएगा, माइनस का डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स, सिंपल इक्वल, ये वाला तो यहीं रहेगा, तो वाई अपॉन एक्स, इस टर्म को इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का लॉग वाई, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करेंगे लॉग वाई रहेगा, तो माइनस का लॉग वाई, इतना समझ आए। अब सिंपल नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि हमें यही निकालना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मैंने क्या किया, कॉमन लिया, तो अंदर देखो क्या बचेगा, एक्स अपॉन वाई माइनस लॉग एक्स, सिंपल। इधर क्या बचेगा मेरा, यहाँ देखो अगर मैं एलसीएम लूँ इन दोनों टर्म का, तो क्या आएगा मेरा, एलसीएम आएगा मेरा एक्स, ये हो जाएगा वाई, एक्स की मल्टीप्लाई इसमें, तो एक्स लॉग वाई, इतना समझ आया सिंपल। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये टर्म आ जाएगी मेरी डिवाइड में, कैसे, यहाँ पर भी अगर तुम चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, देखो क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स, ओके इक्वल, यहाँ एलसीएम लूँगा मेरा क्या आएगा टर्म, एक्स y मेरा एलसीएम माइनस y की मल्टीप्लाई से y log x, ये समझ आया, और इक्वल में क्या रहेगा, y माइनस x log y अपॉन में x, ये आ जाएगा मेरा सॉल्यूशंस। देखो ये क्या है मेरा मल्टीप्लाई में ना, इसको अब इधर लेके जाने, तो यानी कि ये हो जाएगा इसके डिवाइड में, तो देखो क्या होगा, dy वाई बाई डी एक्स इक्वल, देखो ये टर्म, तो y माइनस एक्स लॉग वाई डिवाइड में क्या मेरा एक्स, ये टर्म इसके भी डिवाइड में, तो यानी कि डिवाइड में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई लॉग वाई डिवाइड में वाई। ओके, इतना समझा। अब देखो वाई ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी, वाई ऊपर जाएगा तो वाई एक्स मेरा डिवाइड में ये टर्म। ओके, ऊपर क्या रहेगा मेरा, वाई माइनस एक्स लॉग वाई, सिंपल डिवाइड में ये टर्म, एक्स माइनस वाई लॉग वाई, सॉरी यहाँ लॉग एक्स आएगा, आई थिंक, हाँ ये लॉग एक्स है ना, तो ये टर्म लॉग एक्स होगी। ओके, ये आ जाएगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया हो, कोई भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।